झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जी हाँ, जो कि साइबर क्राइम को लेकर है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां अधिवक्ता अशोक यादव के अकाउंट से साइबर अपराधियों ने 4 लाख रुपए ठगी की है। बता दें कि अधिवक्ता अशोक यादव ने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि साइबर ठगों ने झांसे में लेकर उनसे OTP मांगे और 2-2 लाख रुपए की निकासी कर ली। ठगों ने अधिवक्ता का मकान किराए पर लेने के लिए झांसा दिया था। अशोक यादव हाईकोर्ट में सरकारी अधिवक्ता के रूप में पद स्थापित है। वहीं बता दें कि इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट के एक जज की प्रोफाइल फोटो लगाकर भी साइबर ठगी करने की कोशिश की गई थी, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की थी। वहीं बता दें कि वहीं इस बार स्टेट बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष के नाम पर भी साइबर ठगी करने की कोशिश की जा चुकी है। हालांकि बता दें कि झारखंड में और ऐसे तमाम राज्यों में साइबर क्राइम के बढ़ते मामले को देखकर पूरा राज्य इस समय बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। ऐसे में जो राज्यों की जो CM है वो क्या करेगी और क्या फैसले लेगी, इसको लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।